बातें नहीं। और मेरा मानना यह है कि जो भी पार्टी किसी भी चुनाव में जो ईवीएम से हो रहा है उस चुनाव में हिस्सा ले रही है, अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है, तो वो ईवीएम की पक्षधर है, विरोधी नहीं है। तो ऐसी पार्टी का हमें बहिष्कार करना ही पड़ेगा साथियों। हम इन सबको इकट्ठा एक मंच पर लाने की कोशिश हम करेंगे पूरी ईमानदारी से, और इस आंदोलन को इकट्ठा करके पूरे देश में फैलाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोई ईगो नहीं है, हमारा केवल मानना यह है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि स्वार्थ रख भी लोगे तो भी क्या कर लोगे। अगर आप ईवीएम है स्वार्थ रख भी लोगे तब भी आप जीरो ही हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो, तो स्वार्थ का क्या मतलब रह गया है। इसलिए हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारी कोई ईगो नहीं है, हमारा केवल एक उद्देश्य है। ये हम अपना धर्म मानते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी अपना फर्ज मानते हैं कि हमारे रहते हम पढ़े लिखे व्यक्ति कहलाते हैं, एडवोकेट हैं, संगठन चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, और अपनी आंखों के सामने हम ये सब कुछ देश को बर्बाद होते हुए और चंद लोगों के हाथ में ईवीएम के माध्यम से पूरी जनता के मत को लूटते हुए देखते रहे। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए हम किसी हालत में इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मुझे जितना विश्वास था धीरे 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 वो साथी एक एक करके चाहे 2 बजे तक आए 2:30 बजे तक आए, लेकिन सब लोग आगे। इसका मतलब ये है समय चाहे थोड़ा सा लग जाए लेकिन आंदोलन में सब लोग ईमानदारी से शामिल हैं और रहेंगे, और इस आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसी ईवीएम को खत्म करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।